ओम शांति। आज 31 जुलाई 2022 है और आज प्यारे बाबा के अव्यक्त रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। आज की मुरली की रिवाइज डेट है 31 दिसंबर 1991 और मुरली की हेडलाइन है यथारथ चार्ट का अर्थ है प्रगति और परिवर्तन। आज बाप दादा अपने विश्व नव निर्माता बच्चों को देख रहे हैं। आज के दिन नए वर्ष के आरंभ को दुनिया में चारों ओर मनाते हैं, लेकिन वे लोग मनाते हैं नया वर्ष और आप ब्राह्मण आत्माएं नए संगम युग में हर दिन को नया समझ मनाते रहते हो। वो एक दिन मनाते हैं और आप हर दिन को नया अनुभव करते हो। संगम युग बाबा ने कहा वो हद के वर्ष का चक्र है और ये बेहद सृष्टि चक्र का नया संगम युग है। संगम युग सारे युगों में सर्व प्रकार की नवीनता लाने का युग है। नई नॉलेज द्वारा नई वृत्ति नई दृष्टि और नई सृष्टि में आ गए हो। दिन रात हर समय हर सेकंड नया लगता है। ये इम्पोर्टेंट चीज बाबा अंडरलाइन करा रहे हैं कि संगम युग ये नवीनता का प्रतीक है। अन्य सब युग जो हैं वो पुराने कल्प के हैं, पुरानी दुनिया के हैं, पुरानी दुनिया के संगम है। जैसे त्रेता और द्वापर का है, द्वापर और कलयुग का है, ये पुराने। लेकिन जो कलयुग का और सत्युग का है ये विशेष है, क्योंकि इसमें नवीनता है। तो संगम युग माना नवीनता, नयापन। तो बाबा ने कहा लेकिन पुराने संबंधों की लिस्ट स्मृति में लाओ कितनी लंबी है, लेकिन संगम युगी नए युग के नए संबंध कितने हैं। बाप दादा और भाई बहन और कितने निस्वार्थ प्यार के संबंध हैं, वो है अनेक स्वार्थ के संबंध। दुनिया वाले एक दिन एक दो को मुबारक देते हैं और आप क्या करते हो, बाप दादा क्या करते हैं। हर सेकंड हर समय हर आत्मा के प्रति शुभ भावना शुभ कामना की मुबारक देते हैं। जब भी किसी को किसी भी उत्सव के दिन की मुबारक देते हैं तो क्या कहते हो, खुश रहो सुखी रहो शक्तिशाली रहो तंदुरुस्त रहो। देखिए नए जन्म में जो बाबा ने हमारा संसार क्रिएट किया है वो इम्पोर्टेंट फोकस है हमारी जिंदगी का। बाप दादा मात पिता भाई बहन, ये बाबा ने कहा। तो संगम में जो विशेषता है वो ये है कि अन्य युगों में हम विस्तार में जाते हैं, भाई बहन चाचा काका मामा ताया मासी चाची सब विस्तार में जाते हैं, लेकिन ये जो संगम है ये संगम विस्तार को सार में ले रहा है और छोटे से परिवार को ही हमारा संसार बता रहा है। वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज ब्राह्मणों के लिए। आप जैसे खुश नसीब खुशी के खजानों से संपन्न सदा सुखी और कोई हो सकता है। इस नवीनता की विशेषता आपके देवताई जीवन में भी नहीं है। तो हर समय स्वतः ही बाप दादा द्वारा मुबारक बधाइयाँ व ग्रीटिंग्स मिलती ही रहती हैं। दुनिया वाले नाचेंगे गाएंगे और कुछ खाएंगे और आप क्या करते हो, हर सेकंड नाचते और गाते रहते हो और हर रोज़ ब्रह्मा भोजन खाते रहते हो। लोग तो खास पार्टीज़ अरेंज करते हैं और आपकी सदा ही संगठन की पार्टीज़ होती रहती हैं। पार्टीज में मिलन होता है ना, आप ब्राह्मण तो अमृत वेले से पार्टी शुरू हो जाती है। पहले बाप दादा से मनाते हो, एक में अनेक संबंध और स्वरूपों से मनाते हो, फिर आपस में ब्राह्मण जब क्लास करते हो तो संगठन में मिलन मनाते हो ना, और मुरली सुनते सुनते नाचते हो गाते हो और हर समय उत्साह भरे जीवन में उड़ते रहते हो। ये बाबा ने देखो बाबा अपने बच्चों को कितना प्यार से और भिन्न भिन्न रीति से समझाते हैं। बाबा कहते देखो तुम पार्टी करते हो सवेरे से लेके,
पार्टी में क्या होता है, हंसना खेलना बहलना खाना पीना, तो वो तुम्हारी अमृत वेले कितनी बढ़िया पार्टी होती है। उसके बाद फिर दूसरी पार्टी होती है आपकी मुरली क्लास में, और फिर उसके बाद आगे भी। तो बाबा ने कहा कि ब्राह्मण जीवन का श्वास ही है उत्साह, अगर उत्साह कम हो जाता है तो ब्राह्मण जीवन के जीने का मजा नहीं होता। जैसे शरीर में भी श्वास की गति यथारथ चलती है तो अच्छी तंदुरुस्ती मानी जाती है, अगर कभी बहुत तेज गति से चले कभी स्लो हो जाए तो तंदुरुस्ती नहीं मानी जाएगी। ब्राह्मण जीवन अर्थात उत्साह, निराशा नहीं। जब सर्व आशाएं पूर्ण करने वाले बाप के बन गए तो निराशा कहाँ से आई? ब्राह्मण जीवन माना निराशा नहीं, ये इम्पोर्टेंट सिद्धांत है। ब्राह्मण उसको ही कहेंगे जो नए में जीता है, और नए में जीने वाला कभी निराश नहीं हो सकता है, नवीनताओं से भरा हुआ कभी निराश नहीं हो सकता। सभी ने तपस्या वर्ष में तपस्या द्वारा अपने में अलौकिक नवीनता लाई है या वही पुरानी चाल है? पुरानी चाल कौन सी है? योग अच्छा है, अनुभव भी अच्छे होते हैं, आगे भी बढ़ रहे हैं, धारणा में भी बहुत फर्क है, अटेंशन भी बहुत अच्छा है, सेवा में भी वृद्धि अच्छी है, लेकिन लेकिन का पूंछ लग जाता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है, ये कभी कभी का पूंछ कब तक समाप्त करेंगे? ये जो बाबा ने कहा ना बोझ हो जाता है, ये इस बात पर हमको ध्यान देना चाहिए, हम क्यों अपने ऊपर बोझ कलेक्ट कर लेते हैं, जबकि बोझ हमको प्रिय भी नहीं है, बोझ हम चाहते भी नहीं है, फिर भी अपन पर बोझ क्यों ले लेते हैं? फिर बाबा ने कहा, अभी तो सभी इनाम लेने की तैयारी कर रहे हो ना, इस सारी सभा में ऐसे कौन है जो समझते हैं हम इनाम के पात्र बने हैं? कभी कभी वाले इनाम लेंगे? इनाम लेने के पहले ये विशेषता देखो कि इस इन 6 मास के अंदर 3 प्रकार की संतुष्टता प्राप्त की है। पहला, स्वयं अपना साक्षी बन चेक करो, स्व के चार्ट से स्वयं सच्चे मन सच्चे दिल से संतुष्ट हैं। साक्षी होकर के चेक करो कि संतुष्ट है सच्चे दिल से। दूसरा, जिस विधि पूर्वक बाप दादा याद के परसेंटेज को चाहते हैं, उस विधि पूर्वक मन वचन कर्म और संपर्क में संपूर्ण चार्ट रहा, अर्थात बाप भी संतुष्ट हो। स्वयं को संतुष्टता का साक्षी होकर देखना है, फिर बाबा संतुष्ट हैं। बाबा मेरा संतुष्ट कैसे होगा? बाबा को कुछ नहीं चाहिए, बाबा को चाहिए सच्चाई। सच्चाई और जो मैं पढ़ाता हूँ आज्ञाकारिता, तो वो भी तो चेक करना है। तीसरा, ब्राह्मण परिवार हमारे श्रेष्ठ योगी जीवन से संतुष्ट रहा? ये तीनों प्रकार की संतुष्टता अनुभव करना अर्थात प्राइस के योग्य बनना, विधि पूर्वक आज्ञाकारी बन चार्ट रखने की आज्ञा पालन की तो ऐसे आज्ञाकारी को भी मार्क्स मिलती है, लेकिन संपूर्ण पास मार्क्स आज्ञाकारी को भी मार्क्स मिलती है, लेकिन संपूर्ण पास मार्क्स उनको मिलती है जो आज्ञाकारी बन चार्ट रखने के साथ साथ पुरुषार्थ की विधि और वृद्धि की भी मार्क्स लें। जिन्होंने इस नियम का पालन किया जो एक्यूरेट रीति से चार्ट लिखा है, वो भी बाप दादा द्वारा ब्राह्मण परिवार द्वारा बधाइयां लेने के पात्र हैं। लेकिन इनाम लेने योग्य सर्व के संतुष्टता की बधाइयां लेने वाला पात्र है। यथार्थ तपस्या की निशानी है कर्म, संबंध और संस्कार, तीनों में नवीनता की विशेषता, स्वयं भी अनुभव हो और औरों को भी अनुभव। ये बाबा ने जो शुरू में बताया ये संगम युग माना नवीनता, तो बाबा यहाँ पर भी वही बात कह रहे हैं कि उसमें पुरुषार्थ में नवीनता, आपके व्यवहार में नवीनता, आपके सोच में नवीनता, दृष्टिकोण में नवीनता, स्वयं को भी अनुभव हो और दूसरों को भी।
यथार्थ चार्ट का अर्थ है हर सब्जेक्ट में प्रगति अनुभव हो, परिवर्तन अनुभव हो, परिस्थितियां व्यक्ति द्वारा या प्रकृति द्वारा या माया द्वारा आना, ये ब्राह्मण जीवन में आना ही है। लेकिन स्वस्थिति की शक्ति से ने परिस्थिति के प्रभाव को ऐसे ही समाप्त किया जैसे एक मनोरंजन की सीन सामने आई और गई, संकल्प में परिस्थिति के हलचल की अनुभूति न हो। याद की यात्रा तपस्या है, ये तपस्या है। ये कहना बहुत सरल है, सेंटेंस बहुत सरल सेंटेंस है कि संकल्प में भी परिस्थिति की हलचल का अनुभव ना हो। ये तो परिस्थिति तो हिला देती है, लेकिन बाबा कहते हैं ये वो भी अनुभव ना हो आपको, तब है प्रगति। संकल्प में परिस्थिति के हलचल की अनुभूति ना हो, याद की यात्रा सहज भी और शक्तिशाली भी हो। पावरफुल याद एक समय पर डबल अनुभव कराती है। एक तरफ याद अग्नि बन भस्म करने का काम करती है, परिवर्तन करने का काम करती है, और दूसरी तरफ खुशी और हल्केपन का अनुभव कराती है। ऐसे विधि पूर्वक शक्तिशाली याद को ही यथार्थ याद कहा जाता है। इसको फिर से रिपीट करिए। तो बाबा ने कहा कि संकल्प में भी परिस्थिति के हलचल की अनुभूति ना हो, याद की यात्रा सहज भी हो और शक्तिशाली भी हो। सहज और शक्तिशाली, मेहनत वाली याद नहीं हो और ऑर्डिनरी याद नहीं हो, शक्तिशाली और सहज हो। पावरफुल याद एक समय पर डबल अनुभव कराती है। एक तरफ याद अग्नि बन भस्म करने का काम करती है, परिवर्तन करने का काम करती है, और दूसरी तरफ खुशी और हल्केपन का अनुभव कराती है। एक्चुअली दोनों चीजें चाहिए। ऐसे विधि पूर्वक शक्तिशाली याद को ही यथार्थ याद कहा जाता है। राइट, इसको नोट करना चाहिए। तो इस प्रकार बाबा ने हम बच्चों को यथार्थ याद और बाबा ने यथार्थ चार्ट हमें बतलाया। आज बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया है, अपनी सर्व जिम्मेवारियों का बोझ बाप को दे स्वयं हल्का रहने वाले निमित और निर्माण भव। जब अपनी जिम्मेवारी समझ लेते हो तब माथा भारी होता है। जिम्मेवार बाप है, मैं निमित मात्र हूँ, ये स्मृति हल्का बना देती है। इसलिए अपने पुरुषार्थ का बोझ, सेवाओं का बोझ, संपर्क संबंध निभाने का बोझ, सब छोटे मोटे बोझ बाप को देकर हल्के हो जाओ। अगर थोड़ा भी संकल्प आया कि मुझे करना पड़ता है, मैं ही कर सकता हूँ, तो ये मैंपन भारी बना देता देगा और निर्माणता भी नहीं रहेगी। निमित समझने से निर्माणता का गुण भी स्वतः आ जाता है। और स्लोगन है, संतुष्ट मणि वो है जिसके जीवन का श्रृंगार संतुष्टता है। जो तीन सर्टिफिकेट हैं जो बाबा ने आज की मुरली में कहे, तीन, स्वयं से, बाबा से और अपने साथियों से। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो उसे मैसेज या व्हाट्सएप मैसेज करें 8826599309 पर। ओम शांति।